एंड अब हमारे कुछ अपकमिंग इवेंट्स और ट्रिप्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेक्स्ट एकादशी है दैट इज ऑन 29th जुलाई, दैट इज सैटरडे. सो नेक्स्ट सैटरडे को एकादशी है. सो आप सभी लोग एकादशी में यूजुअली हम लोग एकादशी वाले दिन और प्रयास करते हैं कि हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं. सो जो लोग आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे आके मंदिर की आरती में भाग ले सकते हैं और जिस भी प्रकार से पॉसिबल हो एक्स्ट्रा हमारा जप कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप एकादशी में भी कर सकते हैं और अन्य से हम लोग फास्ट करते हैं. एंड जैसा ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रभु ने हम लोगों को बताया कि पुरुषोत्तम मास में हम लोग 11 करोड़ होली नेम का हम लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है. तो सभी भक्त लोग मिलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट. इसके अलावा जो फेस्टिवल आने वाला है दैट इज ऑन 31st ऑगस्ट, जब हम लोग बलराम पूर्णिमा सेलिब्रेट करेंगे. जिसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी होने वाला है, जो पूरे विश्व में मनाया जाने वाला इस्कॉन का हरे कृष्णा मूवमेंट का सबसे बड़ा फेस्टिवल है. सो ये फेस्टिवल हम लोग 3 अलग अलग दिनों में सेलिब्रेट करने वाले हैं. नोएडा में हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे 3rd सेप्टेम्बर को, जिसके बाद हरे कृष्ण मूवमेंट गुरुग्राम में 6th सेप्टेम्बर को सेलिब्रेट किया जाएगा. और वृंदावन में जो हमारा मंदिर है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने वाला है, वहाँ पे 7th सितंबर को हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे. एंड जन्माष्टमी के अगले दिन हम लोग श्रील प्रभुपाद का प्रकट उत्सव मनाते हैं. तो उस दिन हम लोग प्रभुपाद को व्यास पूजा ऑफरिंग्स लिखते हैं. तो बहुत सारे भक्त हैं, पूरी दुनिया से भक्त हैं, जो प्रभुपाद को एक लेटर लिखते हैं ये बताते हुए कि प्रभुपाद ने किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन लाया है और क्या सहयोग रहा है प्रभुपाद का उनके जीवन में. तो इस तरीके से आप सभी लोग एक लेटर लिख सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं उन डिवोटीज को जिनके साथ आप टच में हैं. इसकी लास्ट डेट 20th जुलाई है. तो कोशिश कीजिए इसको टाइम पे सबमिट कीजिए सो दैट आपका भी लेटर उस बुक में पब्लिश किया जाए जो 8 सितंबर को श्रील प्रभुपाद को ऑफर किया जाने वाला है. एंड 8 सितंबर के अगले दिन 9 सितंबर को हम लोग श्रील प्रभुपाद आश्रय प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जैसा आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा, भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रगति पाने का सबसे आसान तरीका है एक शुद्ध भक्त की शरण लेना. सो श्रील प्रभुपाद की शरण लेने का सरल तरीका ये है, एक श्रील प्रभुपाद आश्रय प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग स्लोली धीरे धीरे करके प्रभुपाद द्वारा शिक्षा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं सो दैट हम भी भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सके. तो इसके कई लेवल्स हैं. इसकी शुरुआत होती है श्रद्धावान लेवल से, जब भक्त लोग कमिटमेंट लेते हैं कि अपने डेली 1 राउंड चैंटिंग करेंगे. इसी प्रकार से सेवक लेवल में 4 राउंड, उसके बाद 8 राउंड, 16 राउंड एंड सो ऑन. सो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप डिवोटी से और भी डिटेल्स ले सकते हैं एंड श्रील प्रभुपाद आश्रय प्रोग्राम के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो सबसे सहज ईजी तरीका है भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने. तो आप सभी लोग यहाँ पे QR कोड देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप इसको अभी भी स्कैन कर सकते हैं या फिर नोटिस बोर्ड में भी आपको इसी पोस्टर के साथ एक QR कोड मिल जाएगा, उसको स्कैन करके आप सभी लोग श्रील प्रभुपाद आश्रय प्रोग्राम के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. कई बार होता है कि हम लोग जब ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं उन लंबी ट्रिप्स के लिए बहुत सारे वर्किंग लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जब हम लोग वृंदावन धाम की 1-डे ट्रिप करने वाले हैं जो नेक्स्ट संडे को यानी 22nd जुलाई को होने वाला है. नेक्स्ट सैटरडे को दैट इज 22nd जुलाई को होने वाला है. सो आप सभी लोग इस ट्रिप में ज्वाइन कर सकते हैं. हम लोग सुबह सुबह वृंदावन जाएंगे एंड शाम तक वापस आ जाएंगे. सबसे पहले हम लोग यहाँ से हमारे मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जाएंगे जहाँ पे हम लोग भगवान का कीर्तन दर्शन करेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारी सेवा अपॉर्चुनिटीज भी होगा. वहाँ पे हम हमारे मंदिर की गौशाला देखेंगे और कुछ गौ सेवा भी करेंगे. इसके अलावा आसपास के बहुत सारी जगह हैं वृंदावन में, ऐसी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं करी हैं. तो उनमें से कुछ जगहों को हम विजिट करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे. एंड इस ट्रिप के दौरान जो भी वृंदावन में आप समय रहेंगे तो वहाँ पे प्रसाद अरेंज रहेगा आप सभी. इसका एक छोटा सा वीडियो है जो हम यहाँ पे